दोस्तों देखिए कितने सुंदर अनार आए हैं इस बार गुच्छे में, मतलब एक एक गुच्छे में तीन तीन चार चार अनार है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए एक एक गुच्छे में तीन तीन चार चार अनार है। ये देखिए इसमें चार अनार लगे हुए हैं एक साथ, देख रहे हैं कितने अच्छे अनार आए हैं इस बार। सभी अनार में दो दो चार चार अनार के गुच्छे हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए, लेकिन आज इतना आंधी तूफान चला, ओले भी गिरे हैं खूब, बारिश के बाद जो आंधी तूफान चला उसकी वजह से देखिए सारा पेड़ धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा है। देख रहे हैं पूरा का पूरा पेड़ जमीन पर अनार का गिरा हुआ है। ये देखिए इसको जो हमने सपोर्ट दिया था, सपोर्ट तक उखड़ के अलग हो गया जमीन से, इतना तेज आंधी तूफान चला। लेकिन अभी भी इस पेड़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी, क्योंकि चारों तरफ पानी और कीचड़ है, इसलिए इसका हम रिहैबिलिटेशन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सूख जाए मिट्टी तो इसको दोबारा से हम खड़ा करके आपको दिखाएंगे, सारे अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहेंगे। देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने इस गिरे हुए पेड़ को खड़ा कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दिन बाद इसे तैयार करेंगे। तो आज मौसम सूखा था, जमीन भी जो गीला हुआ था पानी भरा हुआ था वो सब सूख चुका है, इसलिए हमने इस पेड़ को दोबारा खड़ा कर दिया और उसके लिए हमने ये सपोर्ट लगा दिया है नया। ये देखिए इस तरीके से एक सपोर्ट लगा कर हमने खड़ा कर दिया, जिससे कि दोबारा भी अगर आंधी तूफान आए तो ये पेड़ दोबारा से ना गिरे। और आंधी का डायरेक्शन यहाँ पे यही होता है हमेशा, जिस तरफ खूंटा लगा हुआ है उस तरफ से ही बहता है, इसलिए हमने उसको सपोर्ट दे रखा है जिससे कि ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन में ये ना गिरे। देखिए वही पेड़, गिरा हुआ पेड़ है ये, कितने अच्छे से जमीन पे लग चुका है, हमने मिट्टी भी चारों तरफ से रख दी है उसमें, जिससे कि उसके जो मेन स्टेम है उसको स्ट्रेंथ मिले। और अब देखिए इसमें कितने सारे लगे हुए हैं अनार, जगह जगह हर तरफ अनार लटके हुए। और इन सब अनार को पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक महीने के अंदर ये सारे अनार तैयार हो जाएंगे। चारों तरफ अनार लगे हुए, इस पेड़ में कम से कम नहीं तो 100-200 अनार होंगे ही। चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको पेड़, इतने बेहतरीन अनार आए हैं इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो जरूर बताइए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको टाइम टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।